हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या मैं कोई टास्क कवर करना है। और यहाँ पर न्यू मेंबर के लिए हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक और बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो पूरा कर लिया है आज, और आप लोगों के लिए एक दिन का ब्रेक भी दिया गया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि आपको टास्क क्या कवर करना है, और शाम को आपकी 6 बजे क्लास भी होगी, जहां आप लोगों का आईआर नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू मेंबर आकर के शाम को 6 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है, उस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम कितनी क्लासेस हम आप लोगों के लिए देंगे, और इसके अलावा किस तरह से आपको सारी चीजें हैं वो समझनी है। तो बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, और पेपर में कहाँ कहाँ पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग आकर के शाम को 6 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, और मंडे से हम फिर उसका सब्जेक्टिव वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है शाम को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का 37वां दिन देखने को मिलेगा, और 20 अगस्त है, तो यहाँ पर एक नई एनसीईआरटी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जा रही है। जैसे कि हिस्ट्री क्लास 11th की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इतिहास की 11वीं कक्षा की आपको ये बुक देखने को मिलेगी, जिसका नाम है द थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसका फ्रंट पेज आपको देखने को मिलेगा। इसका आपको यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 हिंदी में आप लोग को देखने को मिलेगा, सिर्फ उसी के लिए पढ़ना है। ये थोड़ा सा बड़ा भी है, आपको एक ही यूनिट इसकी पढ़नी है, जिसका अर्ली सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। ओके, और ये एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, और देखिए ये मेंस में आपको और आईआर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर भी आपकी, अभी देखिए जो अर्ली सोसाइटी है ये तो जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तब आप लोगों के लिए आईआर में भी ये हेल्प करेगा। ओके, चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर रिवीजन आपको क्या करना है। तो रिवीजन आपको टास्क नंबर 4, यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। टास्क नंबर 4 का पूरा नहीं करना है, जैसे कि आपको थोड़ा सा कल पढ़ने के लिए दिया गया था, थोड़ा सा आज पढ़ना है। ओके, तो देखिए 3 दिनों में आपको रिवाइज करना था, तो आज दूसरा दिन है, तो आप लोग अपने हिसाब से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा एक एडिटोरियल भी आप लोगों के लिए पढ़ना है, तो जो भी न्यूज पेपर आप लोग पढ़ते हैं उसका एक लेख हिंदी में या फिर इंग्लिश का न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर एडिटोरियल देखने को मिलेगा, वो आपको एटलीस्ट पढ़ना है। ओके, और आज का टास्क है वो आपको कम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको दो दो दिन का समय है, मतलब आज का समय और कल का समय, संडे का समय आप लोगों के पास में होगा कि अगर आपकी इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस छूट गई हैं या फिर आपको कुछ भी छूट गया है, जैसे कि आपका टास्क मैपिंग टास्क थोड़ा सा छूट गया है, वो जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको और थोड़ा सा टास्क है वो बढ़ने वाला है, और साथ में आपकी क्लासेस भी रेगुलर दो दो क्लासेस चला करेंगी, एक आपकी पीसीएस की क्लास चला करेगी और एक आपकी आईएएस की क्लास चला करेगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कवर कर लीजिए, और जो न्यू मेंबर हैं वो आकर के शाम वाली क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा आकर के। देखिए आज आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवीजन एक और करना है, मैप जो भी आपको अभी तक हमने मैपिंग दिया है वो सभी का सभी मैपिंग, वो आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका देखने को मिलेगा, यूरोप देखने को मिलेगा और एशिया देखने को मिलेगा, इन सभी के सभी की लोकेशन आपको 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, फटाफट फटाफट रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, स्पीड के साथ में 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है, मतलब कम से कम आधे घंटे आपको आज एटलस के लिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए देना है। ओके, रिवीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आप लोगों के सिलेक्शन में, तो रिवीजन को कभी भी स्किप मत करिएगा। ओके, और देखिए इसी तरह से हम सारी एनसीईआरटी है वो अपने ऑन टाइम पर आपको कवर कराई जाएंगी, इसी तरह से आप पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए प्रीमियम क्लासेस हैं जो आपकी YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस बार दी जा रही है आप लोगों के लिए, तो आकर के वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे आज क्लास है, 3 बजे क्लास नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की दोनों टाइम अभी क्लास चल रही थी, तो अभी इकोनॉमिक्स फिनिश हो गया है, तो सोमवार से आपकी पीसीएस की भी क्लास चलेगी, एक कब से चलेगी, मंडे से चलेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, और आज एक क्लास है यानी कि शनिवार को आपको 6 बजे क्लास होने वाली है, और संडे को आप लोगों का विजन का भी टेस्ट होगा, मतलब सुबह 6 बजे संडे को आएंगे तो वहां पर सॉल्व कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पर ही। ओके, और देखिए यहाँ पर हमने सारी प्लेलिस्ट इस तरह से दे दी है, आपकी जो भी क्लास रह गई है जल्दी से जल्दी जाकर के कवर कर लीजिए, वरना आप लोग पीछे हो जाएंगे तो समस्या आएगी। ओके, चलिए हम लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें।